Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hifsa. Today the topic of my presentation is vegetable and fruits. You can see the picture which is related to fruits and vegetables. So it's scientifically proved that a vegetable are the food that keep you healthy and fit over a longer period of time, as compared to the food which contain meat and other dairy products. We can say that eating a diet packed with vegetables and fruits can be one of the healthiest way to eat. Because we know plants' foods are located with nutrients to protect our health. According to the Academic of Nutrition and Diets, an evidence-based review showed that a vegetarian diet is associated with a lower risk of death from heart disease. A diet rich in vegetables and fruits can lower blood pressure, reduce the risk of heart diseases and stroke, prevent some type of cancer, lower risk of eye and digestive problem, and also have a positive effect upon blood sugar, which can help keep appetite in check. And also we know that vegetables and fruit are a great source of vitamins and minerals. You get to enjoy a variety of flavor and texture, lot and lot of fiber. They are low calories and low fats, protect against cancer and other diseases. Vegetables and fruit help you maintain good health, low in sodium and cholesterol. Thank you. हेलो एवरीवंस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वे टू ईट योर वाटर्स, कि कौन सी ऐसी खुराक है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और इन खुराक को हमें कब कैसे खाना चाहिए। आज हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्म ऑफ वाटर इन फूड, कितनी फॉर्म्स हैं वाटर इन फूड्स की। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म इन फूड्स, फ्री वाटर, ऑब्जर्व वाटर, बाउंड वाटर। द फॉर्म इन विच वाटर अकर इन फूड डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ग्रीन कैबेज, 93% वाटर ग्रीन कैबेज के अंदर जो है वो मौजूद होता है। और आपको चाहिए कि आप बच्चों को भी ये चीज़ खिलाएं, उनको किसी भी चीज़ में डाल के सलाद के पत्तों की तरह अगर खिला रहे हैं, या उन्हें आप सलाद में डाल के दे रहे हैं, या उन्हें आप किसी भी वेजिटेबल्स में बना के दे रहे हैं, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके अंदर 93% वाटर है और यही चीज़ हमारे लिए इफ़ेक्टिव है। देन आप उन्हें पाइनएप्पल खिलाएं दिन में किसी वक्त। कोई भी फ्रूट है तो आपको पता है कि पाइनएप्पल जो है इसमें 87% वाटर है, तो आपको चाहिए कि आप ये चीज़ पी लें ताकि इससे भी आपकी मेटाबॉलिज्म, आपका स्टोमेटा जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि इसके अंदर 87% वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है। फिर आप रेडिश जो है वो उसके अंदर 95% वाटर है। आपको चाहिए कि आप अपने सलाद का, अपने खाने के साथ इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। सलाद बना के खाएं, उसके अंदर आप रेडिश लें, उसके अंदर आप ककम्बर लें, आप उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी डाल के ले लें, उसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल ले लें, यानी कि इस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें, ताकि आप इन चीज़ों को जब अपने खाने की रूटीन बना लेंगे, मामूल बना लेंगे, तो ये आपके बॉडी के अंदर जो है वो पानी जो है जो आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। 70% आपको पता है आपके बॉडी के अंदर जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। तो जब आप ये चीज़ें खाएंगे, इनको अपनी आदत बना लेंगे, तो इससे आपका जो स्ट्रोमेटा है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी स्किन बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और फिर देन आपकी बालों में बाल झड़ते हैं वो नहीं होंगे, बालों का कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। मतलब बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो पानी हम लोग अपनी बॉडी को नहीं दे रहे होते, तो वो पानी की वजह से हमारी बॉडी में नुकसान होता है। अब जो है यहाँ पे वाटर मेलन देखें, सब गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा वाटर मेलन होता है। आपको चाहिए कि आप इसे अपनी
रूटीन बनाए समर में, वाटरमेलन को लें, फिर ककम्बर लें, फिर ऑरेंज में 87% वाटर होता है, फिर आप देखें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐड करें और उन चीज़ों को खाएं जिनमें बहुत ही ज़्यादा पानी हो, ताकि आपका आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनमें एक कुदरती तौर पे आपको इसमें पानी जो है वो मिलता है, आपको इस चीज़ का पता भी नहीं होता, आप वो चीज़ खा रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर, अब देखें ग्रीन कैबेज आप उसे खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितना पानी, लेकिन आपकी बॉडी को वो चीज़ मिल रही होती है, आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही अच्छे से आप को फील हो रहा होता है कि हम बिल्कुल सेट हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमारी कोई बीमारी नहीं है हमें, तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अब एक और तरीके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम इन चीज़ों को नहीं खाते, उनकी आदत नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना लें, यानी कि ईट जो खाने की चीज़ें हैं आप उसे पानी में डाल दें और उसको आप दिन में किसी भी टाइम जब आपको प्यास लगे तो आप उसको पी लें, ताकि वो जितना भी उनके अंदर नेचुरली असरात होते हैं वो सारे उनके अंदर चले जाएं। अब देखा जाए तो डिटॉक्स वाटर भी आपको पता है कि ये ककम्बर डाल दें, ऑरेंज डाल दें, मिड लीव्स डाल दें, ये सारी चीज़ें, लेमन डाल दें, ये सारी चीज़ें अपने पानी के अंदर डाल के उसको आप रख लें और सारा दिन जब भी आपको प्यास लगे आप वो पानी पी लें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर आपको आपके स्टोमेटा को तो ये बिल्कुल फिट कर लेते हैं, और मिंट जो है वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। फिर देन आप जो है वाटरमेलन का भी इसी तरह से आप डिटॉक्स वाटर तैयार कर सकते हैं। फिर आप अपनी रेडिश डाल दें, उसके अंदर थोड़ा सा मिंट डाल दें, तो ये चीज़ें भी रेडिश नहीं, कैरेट है, उसमें मिंट डाल दें, फाइनल सीड डाल दें, तो ये सारी चीज़ें आप डाल के मिक्स करके आप उसे अपने डिटॉक्स वाटर के थ्रू खा सकते हैं। अब आपके आगे जो है मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वाटर जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और वाटर तो है ही है। और आपने देखें कोई इंसान जो होता है वो ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहता, उसकी आदत नहीं है या वो पीना नहीं चाहता, उसकी पानी की तरफ इतना ध्यान नहीं, लेकिन जो वो चीज़ उसको चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें खाएं, वेजिटेबल खाएं, फ्रूट खाएं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ताकि उनके जो पानी का सिस्टम है, उनके मशीनरी जो अंदर पानी वाली सिस्टम है वो उनका पूरा होता जाए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कि आप सबको मेरी ये जितनी भी एडवाइस थी उनकी समझ आ गई है। कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।